नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, कई दिनों की हवाई बमबारी के बाद अब इसराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। इसराइल ने लेबनान के भीतर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। लेबनान की सीमा में घुसकर इजरायली सेना हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बना रही है। 18 साल बाद इजरायली सेना एक बार फिर से लेबनान की सीमा में दाखिल हुई है। हालांकि 2006 में जब इजरायल ने हिजबुल्ला के खिलाफ लेबनान में कार्रवाई शुरू की थी तो उसका दांव उल्टा पड़ा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इजरायल लगातार हिजबुल्ला पर भारी पड़ रहा है। हिजबुल्ला एक एक कर ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहा है। सवाल यह उठता है कि हिजबुल्ला चीफ को मारने के बाद भी इजरायली सेना लेबनान में जमीनी हमला क्यों कर रही है, आखिर कैसे? ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मिडिल ईस्ट में उथल पुथल का दौर चल रहा है। आने वाले वक्त में क्षेत्र में संघर्ष और ज्यादा बढ़ सकता है, इसके कई संकेत मिल रहे हैं। इसराइल ने लेबनान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। उधर हिजबुल्ला भी लगातार इसराइल पर मिसाइल दाग रहा है। लेकिन इन सबके बीच इसराइल के वॉर रूम से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। इसराइली सेना ने मीटिंग की एक तस्वीर जारी की है और इस तस्वीर में इसराइली सेना चीफ हर्जी हवेली की मीटिंग करते नजर आए थे। हलेवी तस्वीर में अपने अधिकारियों के साथ साथ चर्चा करते नजर आए और इस तस्वीर में मीटिंग के दौरान ऐसा कुछ दिख रहा है जिसमें दुनिया हैरान है, परेशान है और सबके मन में यही सवाल है कि इसराइल का अगला टारगेट क्या होगा। ऐसे में सवाल यह भी है कि इस तस्वीर में आखिर ऐसा क्या है, यह भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने भी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है जिसमें इसराइल को कैसे तबाह करना है इसके लिए टारगेट फिक्स किए गए हैं। खासतौर से इसका जिम्मा ईरानी पॉक्सी संगठनों को सौंपा गया है जबकि ईरान बैकडोर से मदद करता रहेगा। इसके लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ने एक सीक्रेट मीटिंग की है, एक मीटिंग बुलाई है जिसमें ईरानी पॉक्सी के शीर्ष कमांडर यानी आला कमांडर मौजूद थे। मीटिंग खत्म होने के बाद पॉक्सी गुटों ने हमले शुरू कर दिए और ये पैगाम दिया कि हर कीमत पर नसरुल्ला की मौत का बदला लेकर रहेंगे। आखिर हमास हिजबुल्ला और हूती का प्लान क्या है, ये भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपके सामने डीकोड करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इसराइल अपने दुश्मन नंबर वन हसन नसरुल्ला को खत्म कर चुका है। बावजूद इसके इसराइल रुक नहीं रहा है, इसराइल का इंतकाम जारी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसराइल इस वक्त कई मोर्चों पर आर पार की जंग लड़ रहे हैं। धीरे धीरे इसराइल को इंतकाम अपने अंजाम तक पहुंचा रहा है। इसराइल चुन चुन कर दुश्मनों को निशाना बना रहा है। आसमानी हमले के बाद इसराइल ने जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसराइल के टैंक गरजते हुए साउथ लेबनान में घुस गए और ये टैंक कई दिनों से इसराइल और लेबनान के बॉर्डर पर तैनात हैं। और सोमवार की रात इसराइली सेना को तेल अभी से ऑर्डर आया और फिर बॉर्डर क्रॉस कर दिया। इसके साथ ही 18 साल बाद साउथ लेबनान में एक के बाद एक बार फिर से सेना दाखिल हो गई। साउथ लेबनान से ही इसराइल पर लगातार हमले हो रहे थे और इसका बदला लेने के लिए आखिर इसराइल ने साउथ लेबनान से
लेबनान ने ही जमीनी हमला शुरू कर दिया। इसराइल ने पहले अमेरिका को अपनी जमीनी हमले के बारे में बताया और फिर कुछ घंटों के अंदर ही हमला शुरू कर दिया। साउथ लेबनान के साथ साथ इसराइल ने बेरूत के कुछ इलाकों पर भी हमला किया। लेबनान की धरती पर कदम रखे बिना ही इसराइल हिजबुल्ला को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि हिजबुल्ला चीफ को मार गिराने के बाद इजरायली सेना लेबनान में जमीनी हमला क्यों कर रही है, इसके पीछे की असली वजह क्या है? आज मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भले ही हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला को इसराइल ने मार गिराया हो, लेकिन अब भी नॉर्थ इसराइल में हिजबुल्ला के हमले जारी हैं। टॉप लीडरशिप के खत्म होने के बावजूद हिजबुल्ला के इरादे कमजोर नहीं पड़े। हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ और नंबर दो के नेता नईम कासिम ने एक वीडियो संदेश के जरिए यह साफ कर दिया कि उनका विद्रोह समूह किसी तरीके से युद्ध के लिए तैयार है। ऐसे में इसराइल के इस ग्राउंड ऑपरेशन के तीन मकसद हो सकते हैं। वो तीन मकसद क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। इसराइल का पहला मकसद हिजबुल्ला के सैन्य ठिकानों को तबाह करना है। अभी तक ज्यादातर हमले उन रिहायशी इलाकों में हैं जिन इलाकों में इसराइल ने हिजबुल्ला के हथियारों के घरों में छिपाने का दावा किया, लेकिन हिजबुल्ला की तरफ से कुछ दिन पहले ही एक सुरंग का वीडियो जारी किया गया था। इस वीडियो में हजारों की तादाद में रॉकेट और मिसाइल थे। इसी ठिकाने को खत्म करना इजरायली सेना का मकसद था। दूसरा मकसद, हसन नसरुल्ला की मौत से हिजबुल्ला को बड़ा झटका लगा, उसके हजारों लड़ाके घायल हो गए, यानी हिजबुल्ला इस वक्त युद्ध करने के हालात में नहीं। ऐसे में इजरायली सेना की कोशिश होगी कि हिजबुल्ला को लेबनान के अंदर ही उलझाकर नॉर्दर्न इसराइल पर हो रहे हमलों को रोका जा सके। अगर इसराइल की रणनीति कामयाब होती है तो यह उसकी नॉर्थ बॉर्डर प्लानिंग के तहत बड़ी कामयाबी। और तीसरा मकसद, इसराइल लेबनान बॉर्डर पर बफर जोन बनाना। माना यह जा रहा है कि इसी टारगेट को पूरा करने के लिए इसराइली सेना ने लेबनान की सरजमी पर एक कदम रखा। एक्सपर्ट का मानना है कि इजरायली सेना बॉर्डर इलाके पर कब्जा कर एक बफर जोन बना सकती है, जैसा कि उसने गाजा में नेत्याजरिम और फिलाडेल्फी कॉरिडोर बनाकर किया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसा करके इजरायल हिजबुल्ला को सीमावर्ती इलाके से दूर रखने में कामयाब होगा और साथ ही नॉर्थ इसराइल से विस्थापित यहूदियों को दोबारा बसाना आसान होगा। इसी लक्ष्य को लेकर इजरायली सेना लेबनान में दाखिल हुई है। देखना होगा कि इसराइल इस मकसद से कितना कामयाब होती है, क्योंकि 2006 में जब इसराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ लेबनान में कार्रवाई शुरू की तो उसका दाव उल्टा पड़ गया। 34 दिनों तक चले इस जंग में इसराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तब क्रॉस बॉर्डर के दौरान हिजबुल्ला ने इसराइल के दो सैनिकों को बंधक बना लिया, जिसके चलते इसराइल को लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, अब इसराइल अपने दुश्मनों को सबक सिखाना जानता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिजबुल्ला की कमर तोड़ने के बाद इसराइल अपने नए मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू का नया मिशन है हमास हिजबुल्ला के साथ देने वालों को सबक सिखाना, जिसके लिए इसराइल ने अब तैयारी भी शुरू कर दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसराइल के वॉर रूम से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, उसके बाद मैं आपको नेतन्याहू का वो प्लान भी बताऊंगा जिससे आज पूरा मिडिल ईस्ट डरा हुआ है। इसकी वजह यही तस्वीर है। इजरायली सेना के चीफ हरजीने की मीटिंग की तस्वीरें इस वक्त सुर्खियों में हैं। इस तस्वीर में हरजी अधिकारियों के साथ चर्चा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा से ज्यादा अहम इस मीटिंग रूम में स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीर है। देखिए, इजरायल के वॉर रूम से अपने दुश्मनों की पूरी लिस्ट लगा रखी है।
हमास और हिजबुल्ला के जिन लोगों की तस्वीर पर क्रॉस के निशान हैं, इसका मतलब है कि वो मारे जा चुके हैं, लेकिन जिन लोगों की तस्वीर साफ है उनकी तलाश इजरायली सेना कर रही है और उन्हें अपना अगला निशाना बना सकती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू की दुश्मनों वाली लिस्ट में लेबनान, यमन, गाजा, ईरान के टॉप कमांडर शामिल है, जिसने सीधे सीधे हमले में या तो इसराइल को नुकसान पहुंचाया या फिर किसी ना किसी रूम में इसराइल को दुश्मनों का साथ दिया। और इसलिए अब नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि उसके दुश्मन सावधान रहे। मैं राष्ट्रीय आवाज के जरिए आपको इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से अपने दुश्मनों को एक बड़ा पैगाम दे रहे हैं। I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Muhammad Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीधे सीधे ईरान को धमकी दी है। ईरान ही है जो बार बार इसराइल के ऑपरेशन इंतकाम में सबसे बड़ा कांटा बनता जा रहा है, चाहे हमास पर हमला हो या फिर लेवलान या फिर यमन। ईरान में हर बार इसराइल के खिलाफ इन देशों का साथ हो, इसलिए नेतन्याहू अब बिना डरे, बिना झुके और बिना दुनिया के तमाम देशों की परवाह किए बगैर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला को सीधे सीधे चेतावनी दी। नेतन्याहू ने जो अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली, लेकिन सवाल यह है कि इसराइल को इंतकाम की आग आखिर क्यों भड़की। उसने दुनिया की अनदेखी करके ये कह दिया कि अब बहुत हो चुका है, अब फुल एंड फाइनल की बारी है। मिडिल ईस्ट में शहर दर शहर इंतकाम की आग की चपेट में आते जले जा रहे हैं, एक के बाद एक नए मोर्चे खुल रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस इंतकाम की जड़ में है 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन जो ताकतवर इसराइल इतिहास में सबसे कमजोर दिन के तौर पर दर्ज किया गया। 7 अक्टूबर की ये तस्वीर नेतन्याहू और इजरायली कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाके फिलिस्तीन बॉर्डर को क्रॉस करके इसराइल में घुस गए थे। ठीक उसी दिन जिस दिन इजरायली लोग इसराइल के नए साल के जश्न में डूबे थे, इसराइलियों को जरा भी इस बात की भनक नहीं थी कि हमास के लड़ाके किस खतरनाक इरादे से उनके शहर में घुस आए हैं। इसके बाद ही कहानी सारी दुनिया में देखी जा रही है। हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इसराइली मारे गए हैं और सैकड़ों लोगों को बंधक बना के हमास के लड़ाके अपने साथ ले गए। हमास के इसी हमले के बाद से इसराइल सब कुछ भूल कर इंतकाम की आग में जल। करीब एक साल इसराइल अपने दुश्मनों से बदला ले रहा है। 27 अक्टूबर 2023 को इसराइल ने गाजा की जमीन पर चढ़ाई की थी और अब इसराइली सेना ने हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों का जवाब देने के लिए दक्षिणी लेबनान में जमीनी लड़ाई भी शुरू कर दी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ इसराइल इंतकाम की आग में जल रहा है तो दूसरी तरफ हमास, हिजबुल्ला और हूती लगातार, तीनों ये संगठन इसराइल से बदले की लगातार प्लानिंग कर रहे हैं और उसके साथ ही ईरान उसका साथ दे रहा है। नसरुल्ला की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने ब्लूप्रिंट बना लिया है। ईरान ने तमाम प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इसराइल को सबक सिखाने का भी प्लान बनाया। अभी तक ये प्रॉक्सी संगठन अलग अलग इसराइल पर हमले कर रहे थे, लेकिन ईरान के कहने पर सभी एकजुट होकर हमले की तैयारी में जुट गए। यानी इसराइल के लिए बड़ा संकट खड़ा होने वाला है और हुती हमास के हमले करके इसका टेलर भी दिखा दिया है।
उधर हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्ला की मौत के बाद पहली बार हिजबुल्ला ने किसी नेता का बयान सामने आया है। इजरायली सेना ने जैसे ही लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, उसके बाद हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने वीडियो जारी कर इसराइल को धमकी दे डाली और कहा कि किसी भी युद्ध के लिए विद्रोही संगठन तैयार है। नईम कासमी ने क्या कुछ कहा, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहिए। تعتدي إسرائيل بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان وتختار القرى قرية قرية حتى لا يبقى قرية ولا بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيها. هي تعتدي على المدنيين وعلى الهيئات الصحية وعلى كشافة الرسالة وعلى كل الذين يسيرون وعلى كل الذين يمكثون في بيوتهم من الأطفال والنساء والشيوخ. هؤلاء لا يقاتلون المقاتلين، إنما هؤلاء يقتلون ويرتكبون المجازر بحق المدنيين والأبرياء. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शेख ने जोर देकर कहा कि नसरुल्ला की हत्या के बाद से हिजबुल्ला ऑपरेशन उसी तरीके से जारी है जैसे पहले हो रहे थे। हिजबुल्ला के लोग उसे रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे जो नसरुल्ला का रास्ता था। अब सवाल यह है कि नईम शेख आखिर है कौन जो इसराइल को धमकी दे रहा है। ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, समझाना, दिखाना चाहता हूं। शेख नईम कासिम एक शिया लेबनानी मौलवी और राजनीतिज्ञ है। उसको हिजबुल्ला का दूसरे नंबर दो का नेता कहा जाता है। 1991 से हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ के पद पर वो काम कर रहा है। उनका जन्म दक्षिणी लेबनान के कफर किला में 1953 में हुआ था। हिजबुल्ला के संस्थापक सदस्यों में से एक हिजबुल्ला के लेबनानी राजनीतिक में दाखिल करने के बाद शेख ने एक समूह के प्रवक्ता की भी भूमिका निभाई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसराइल के खिलाफ अभी तक हमास और हिजबुल्ला फ्रंट पर खुले हुए थे, लेकिन अब दो फ्रंट और खुल चुके हैं जहां से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हमास हिजबुल्ला के बाद से अगर कोई हमलावर है तो वो यमन से संचालित हूती संगठन है जिसकी मदद रूस और ईरान कर रहे हैं। हूती ने तेल अबीब पर लाल सागर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हालांकि इसराइल ने दावा किया कि सभी मिसाइलों के हमले नाकाम हो गए। इस बीच हूती की तरफ से बयान भी जारी किया गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हूती ने कहा था कि हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, इसराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, नसरुल्ला की मौत का बदला बहुत जल्द लिया जाएगा, यह उन्होंने कहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि तमाम प्रॉक्सी संगठन के टारगेट से इस वक्त इसराइल आ चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर भी बार बार इसराइल को धमका रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि सभी प्रॉक्सी इस वक्त हिजबुल्ला के साथ है, प्रॉक्सी गुट इसराइल को पछताने के लिए मजबूर कर देंगे। प्रॉक्सी को ईरान उकसा रहा है, इसके लिए हथियार को भेज रहा है जिसमें रूस ईरान की मदद कर रहा है और यही वजह है कि प्रॉक्सी गुटों का जोश हाई है। वो इसराइल को दहलाने का प्लान भी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में लगातार ये जंग, ये लड़ाई और बड़ी होती जाएगी क्योंकि अभी इसकी शुरुआत है और ये लगातार एक के बाद एक इसमें कई देश और शामिल होते चले जाएंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।